आज हमारी विषय है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये डिवीजन चैप्टर है पहली 10th स्टैंडर्ड में, जो ये मेंशन की गई है, और उसकी पहली एक्सरसाइज के अंतर्गत रेशियो एंड प्रोपोर्शन के संदर्भ में ही हमारे को कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे अनुपात एवं समानुपात जैसे शब्दों से पहचाना जाता है हिंदी में, इस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमारे को अच्छे से समझ लेना होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के मतलब क्या होते हैं और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं। तो उसी को मैं अभी यहाँ आगे वाले बोर्ड में समझाने जा रहा हूँ। तो पहले उसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये होते क्या है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, रेशियो मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में प्रश्न इंग्लिश में भी आएंगे, इसीलिए इन दोनों को समझना जरूरी है कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। ठीक है, फिर से दोहराता हूँ, रेशियो मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। तो ये विषय क्या है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहले लेके चलते हैं रेशियो के साथ। ठीक है, पहले रेशियो यानी कि अनुपात। ठीक, हम मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो गणित जब पढ़ते हैं तो किसी भी चीज को हम आंसर जब ढूंढ के लेके आते हैं तो वह आंसर हमारे को नंबर्स में मिलते हैं, है ना, ज्यादातर, या फिर वेरिएबल्स में होंगे। जैसे कि किसी ने कहा हमारे को कि बताओ कि 3 × 4 कितना होगा, तो इसकी आंसर क्या निकलेगी, 12, और ये एक नंबर है। लेकिन अगर हमारे को किसी ने बोला कि x × y कितना होगा, तो इसके आंसर हम लिखते हैं xy। तो ये एक वेरिएबल हुआ क्योंकि इसकी उत्तर हमारे को ज्ञात नहीं है। जैसे कोई भी मान मतलब वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो हमारे को जानकारी है जिसकी, उसे हम नंबर्स कहेंगे। ठीक है, और जिसकी जानकारी हमारे को नहीं है वो वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, इसको लेके मैं नंबर सिस्टम में वापस फिर एक बार बोल दूंगा, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि रेशियो क्या है। तो चाहे नंबर्स में बात हो या वेरिएबल्स में बात हो, हम दो प्रकार, दो या दो से ज्यादा जो मात्राएं होती हैं, ठीक है, क्वांटिटीज होते हैं, उनके साथ ये चार काम करते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो गणित में फंडामेंटली चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ठीक है, ये जोड़ना, ये गुणा करना, ये घटाना और ये भागा। ठीक है, तो ये चारों काम हम किसके किसके बीच कर सकते हैं, नंबर्स के बीच और वेरिएबल्स के बीच भी हम कर सकते हैं। और हमने यही चीज बचपन से पढ़ते आए हैं मैथमेटिक्स में। हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 2.5, और इसके साथ हम ऐड करके एक दूसरा नंबर 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे पहला एडिशन को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उत्तर आएगी 9.5। नंबर से नंबर को क्या कर दिया मैंने, जोड़ा। और जोड़ना क्या कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है एक प्रकार का। मूलतः चार प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, उनमें से सबसे पहला किसी बच्चे को छोटे क्लास में सिखाया जाता है तो एड ही सिखाया जाता है। लेकिन क्या एड के अलावा भी इन दो संख्याओं पे हम कोई दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं चारों में से, तो उत्तर है बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अब दूसरा काम। तो ये तो हो गए, चलो एड वाली बात, इन्हीं दो नंबर पे अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके हिसाब से हमारे को यहाँ आंसर मिल जाएगी और वो भी एक नंबर होगी। फिर यहाँ पे 2.5 के साथ में 7 को सब्ट्रैक्ट करके भी यहाँ पे आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, और 2.5 को डिवाइड करके भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये दोनों नंबर्स पे हमने चारों प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाया और हमें चार प्रकार के उत्तर उसके हिसाब से मिलेंगे। 2.5 पे जब 7 को जोड़ा गया तो 9.5 आया, और 2.5 को जब 7 से गुना किया जाएगा तो उत्तर 9.5 नहीं कुछ और आएगा।
तो जैसे जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगते हैं संख्याओं पे, वैसे वैसे हिसाब से उत्तर अलग अलग आ सकते हैं। अगर संख्याएं दोनों जगह पे या सभी जगह पे दोनों संख्याएं सेम सेम है तो ठीक है, लेकिन इस बात का इस शब्द के साथ क्या लेना देना है, अनुपात से क्या लेना देना है, अनुपात का क्या मतलब है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसकी क्या रिश्ता है, इसको मैं लास्ट वाले बोर्ड पे समझाता हूँ, जरा ध्यान देना। मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति को 5 कॉपी मिला, ठीक है, किसी एक के पास 5 कॉपीज है नोटबुक्स, किसी एक व्यक्ति के पास 10 कॉपीज है, तो सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ, प्रथम वाले को हुआ या सेकेंड वाले को, सेकेंड वाले को हुआ क्योंकि उसके पास 10 कॉपीज हैं, पर तुम्हारे को कौन सा ऐसा शक्ति और बुद्धि ये ताकत दे रहा है, कह रहा है कि भाई सेकेंड वाला बेहतर है, तुमको ये कैसे पता चला, इसके नंबर को देख के, क्योंकि ये 10 है, पर मैं अगर इसको छुपा लेता तो पता चलता कौन सा बेहतर है, तुम शक करते क्या पता सर वो भी बेहतर होगा, तो उत्तर ये होता कि तुम लोग कहोगे कि पहले वाले वैल्यू को दूसरे वाले वैल्यू से हमने कंपेयर किया है ना, कंपेयर माने तुलना किया ना, इन दोनों को तुलना ही तो किया, तो तुलना को इंग्लिश में क्या, मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, तुलना को ये कहते हैं अनुपात। दो चीजों के बीच के अनुपात जब निकालते हो तो तुम तुलना निकाल रहे होते हो, और तुलना निकालने के पीछे कारण क्या है, ये पता करना कि दोनों में से बेहतर कौन है और दोनों में से किसकी स्थिति क्या है। अगर किसी बच्चे का मार्क 40 से 10 आया, ठीक है, और किसी बच्चे का 200 से 20 आया, तो किसका मार्क बेहतर है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, 40 में 10 दे दिया, ये तो 200 में 20 लेके आया है, मन में एक फीलिंग आ रहा है ना, बात को समझ रहे हो, 1/10 है और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4, 1/10 1/4, ठीक है, तो ये एक चार ही से एक मिल जा रहा है और इसको 10 में से एक हिस्सा मिल रहा है, तो छोटा हिस्सा यहाँ मिल रहा है, अब इतना एक ही रोटी है उसका 10 टुकड़ा किया जा रहा है, एक टुकड़ा मिला, इसका एक रोटी है इसका 4 टुकड़ा का एक टुकड़ा, तो इसका टुकड़ा ज्यादा है, तो ये कंपेयर किए तब ना पता चल रहा है, तो तुलना करने से, इसीलिए रेशियो निकाल के हम पता करते हैं कि कौन सा तुलना बेहतर है और कौन सा नहीं है, ठीक है, तो अब इसके कंक्लूजन बनाते हैं आगे की ओर। अब मैं रेशियो को अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अब रेशियो का सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ये इस टू या रेशियो, जैसे कि तुम्हें 5 को कंपेयर करना है 10 के साथ तो ऐसे लिख दोगे, इसका मतलब 5 को अनुपात लगाया गया 10 के साथ, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, और अनुपात अब तुम लोग पूछोगे कि सर अनुपात तो समझ गए तुलना होता है, लेकिन इनमें से कौन सा अनुपात है, ये 4 गो ऑपरेशन से वो अनुपात कौन सा है, तो डिवाइड है हम, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड ही किया हो ना, 10 एक 10 10 चौके ऑलराइट, 20 एक 20 20 10 है 200, इतना ये तो आता है ना, 21 20 20 10 200, तो इसीलिए इसका मतलब होता है डिवीजन, जब डिवाइड करके भी कंपेयर ना करते हो तो इसीलिए इसका मतलब हो गया 5 / 10, तो यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो डिवीजन जो होता है वह कंपैरिजन ही होता है, वह कंपेयर करना ही होता है, मतलब तुलना करना होता है, ऑलराइट, एडिशन जोड़ना होता है, कुल वैल्यू निकालना, तो इसीलिए अगर 5 अनुपात 10 है तो मतलब है 5/10, और इसको भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है फ्रैक्शन के रूप में, तो 5 जो डिवाइड के पहले है सो ऊपर लिखाएगा और डिवाइड बन जाएगा ऐसे लाइन, ये डिवाइड अब बाकी यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5 × 5 × 5 × 2 = 10 / 2 हो गया, यह है आंसर। अब फिर अब इसको क्या करोगे, 1/2, ये डिवाइड है ना, आखिर इसका मतलब क्या है,
तो यानी कि 5:10 का मतलब होता है 1:2, मतलब 2 से 1 मिलना। अब अनुपात पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बोर्ड पे देता हूँ, जो घर पे करने हैं। एक अभी करके दिखाना है, बाकी घर पे, ठीक है? होमवर्क, ठीक है? घर पे भी एक बाकी क्वेश्चंस कर लेना, कुछ क्वेश्चंस अभी कर लेना। बीस तारीख चौथा महीना 2023। क्वेश्चन पहला है, फाइंड द रेशियोज ऑफ, ठीक है? कुछ रेशियो निकालना माने अनुपात निकालना है, एक सॉल्यूशन भी कर देंगे हम। पहला 16:32, इससे उसका निकालना है, ठीक है? तो पहले ये होगा, बाद में वो होगा। 32:16 नहीं है, 16:32 है। जब 16:32 होगा तो 16:32 लिखाएगा, ठीक है? जब 32:16 है तो 32:16, ये बात याद रखना। ये दोनों अनुपात अलग हो जाएगा, ये होगा 1/2, ये होगा 2/1। 16 × 1 = 16, 16×2 = 32, समझ गए ना बात को? यानी कि x अनुपात y कभी भी y अनुपात x के बराबर नहीं होगा अगर दोनों बराबर नहीं है तो। जैसे कि 1:5 कभी भी 5:1 नहीं होगा। देख लो, अब 1 को डिवाइड करोगे 5 से तो यहाँ पे 0 आ गया, लिख दिया पॉइंट, एक 0 यहाँ पे ले लिया, 2, 10। तो यानी कि अगर डिवाइड किया जा रहा है किसको भाई, पहला केस में 1 को 5 से, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 0.2। लेकिन अगर फिर 5:1 का मतलब होता है 1:5 को डिवाइड कर रहा है, तो 1:5 है, तो इसका आंसर तो 5 आ रहा है, तो दोनों का उत्तर अलग अलग है ना। इसीलिए पहला दूसरा का अनुपात, दूसरा से पहला का अनुपात बराबर नहीं होंगे अगर वो बराबर ना हो तो। अगर बराबर है तो फिर दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए 2 का मतलब समझ में आया, 2 के बाद में करना, ठीक है? ₹17:34 200 kg to 355 kg, ठीक है? समझ लिया अच्छी तरह से जितना भी लेक्चर हमने दिया, और उसके आधारित 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, प्रॉब्लम्स दिए गए, और उनमें से एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे कर दी है। प्रश्न ये था कि 16:32 का रेशियो निकालना था। पहला 16:32 का रेशियो जो है रेशियो ऑफ 16:32, ठीक है, होगा 16:32, यानी 16:32। फिर रेशियो चूंकि डिवीजन ऑपरेशन है, डिवाइड है, भागा है, इसीलिए देखो भागा का सिंबल मैंने भिन्न के रूप में यहाँ पे इसे बना के दे दिया 16/32। और फिर 16 की फैक्टराइजेशन की गई है, गुणाखंड की गई है। गुणाखंड तो पता ही होगा, जब 4 को हम 2 नंबर के गुना में लिखते हैं तो उसे गुणाखंड कहा जाता है। जैसे कि 2×2, जैसे कि
15 को लिखते हैं हम 3 × 5, तो ये गुणाखंड है ना। तो देखो 16 का गुणाखंड कर दिया ना मैंने, और गुणाखंड कुछ ऐसे किया कि ऊपर नीचे जो गुणाखंड के जो एक एक फैक्टर्स होंगे वो कम से कम मैच करे ताकि उनको कैंसिल किया जा सकता है। तो 16 × 1 = 16 × 32, तो दोनों में ऊपर नीचे 16 बराबर है, यहाँ गुना सिंबल है, तो इनको कैंसिल किया जा सकता है। 1/2 यहाँ पे इस प्रकार से बच गया, और ये भिन्न भिन्न रेशियो का रूप ले लिया, 1:32। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं प्रोपोर्शन के लिए। तो अब अगला विषय अनुपात के बाद समानुपात है, जिसे अंग्रेजी में प्रोपोर्शन कहते हैं, इसे हमें समझना है। मान लो कि एक गाड़ी है जो लीटर पेट्रोल डालने पे 35 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये है पेट्रोल और ये है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, ये पेट्रोल है। तो 1 लीटर पेट्रोल में ये 35 किलोमीटर चल रही है। कोई दिक्कत? 2 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? 70 किलोमीटर। ठीक है, 4 लीटर पेट्रोल में 140 किलोमीटर। अब हमें ये चेक करना है कि X और Y के बीच में क्या रिश्ता है। जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं एवरेज बहुत अच्छा है, कम पेट्रोल खाती है ये गाड़ी, कितना? तो 1 लीटर में उतना जाएगी। तो उससे हमारे को अंदाजा लग जाता है कि 2 लीटर में कितना जाएगी। तो जब जिस प्रकार से पेट्रोल बढ़ेगा उस प्रकार से गाड़ी का दूरी भी तो बढ़ना चाहिए ना, मैं उसने तय किया। अगर 1 लीटर में यहाँ 35 गया, वहाँ 2 लीटर में 40 किलोमीटर गया, तो यानी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। नियम से तो 70 जाना चाहिए था, बात समझ में आ रही है? 4 लीटर में 140 जाना चाहिए था। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिश्ता है? जब एक्स और वाई के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता है कि एक्स और वाई का अनुपात हमेशा बराबर निकलेगा। अभी चेक करते हैं, 1/35, 1/35, 2/70, 1/35, 4/140, 1/35, दोनों आएगा। कैसे बता रहे हैं? 4/4 से पानी ले लो तो 4/35 करोगे तो आ जाएगा 2×2 = 35 है। ठीक है, बेटी तो अंजलि देखो, यहाँ पे 1/35, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 35 बच गया, लिखते 1/35। तो हर जगह काटने के बाद लास्ट में 1/35 ही आ रहा है ना, यानी कि हर जगह X/Y बराबर है। हर जगह अंतिम में काटने के बाद 1/35 ही निकल रहा है ना। ऐसे परिस्थिति में एक्स और वाई के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। कुछ रिलेशन है जैसे कि हमेशा X/Y बराबर वैल्यू बराबर वैल्यू होती है, तो ऐसे रिश्ता को हम प्रोपोर्शन कहेंगे। जैसे सामान के दाम को इंग्लिश में प्राइस कहते हैं, ठीक है, कीमत, ठीक है, कीमत हो गई। अब उसके बाद वेट माने वजन, तो जैसे जैसे वजन बढ़ेगा ये प्राइस हो गई, ये वजन हो गया। P से प्राइस, W से वजन, P से कीमत, W से वजन। तो अगर वजन किसी चीज का बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी ना, और जैसे वजन घटेगा वैसे प्राइस भी घटेगी।
वजन बढ़ जाएगा धान का तो दाम कम हो जाएगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना प्राइस, सिंपल सा बात है। तो जब एक चीज में बढ़ना के कारण दूसरा चीज बढ़ जाता है और दूसरे चीज में बढ़ने के कारण पहला चीज बढ़ जाता है, तो ऐसे रिलेशन को प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर वो नियम से बढ़े तो नियम कैसे, जब हमेशा दोनों को डिवाइड करेंगे हर बार तो सेम आंसर निकलना पड़ेगा वैल्यू। जैसे एक किलो के सेब के लिए हमारे को 20 रुपया देना पड़ा, 20 रुपया मैंने प्राइस, 20 रुपया देना पड़ा एक किलो सेब के लिए, और हमारे को जब आधा किलो सेब हुआ तो हमारे को कितना देना पड़ा, 10 रुपया, ठीक है। और हमारे को जब 1.5 किलो सेब हुआ तो देना पड़ा कितना, 30 रुपया, एक किलो का 20 है ना, ठीक है। और फिर जब हमारे को यहाँ पे 5 किलो सेब खरीदना हुआ तो देना पड़ा 100 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से जब सेब का दाम बताया गया है तो तुमको नहीं लग रहा है कि इसका और इसका दाम में कुछ स्पेशल रिश्ता है, गड़बड़ा नहीं रहा है आदमिया सही दाम में, मैंने हर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है वो। लेकिन अगर किसी बच्चा को 5 किलो सेब के लिए 400 ले लेता तो बेईमान है कि नहीं, ये कैसे पता चल रहा है कि वो बेईमान है, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या निकल रहा है, 20/1, देखो 20 से 1 को कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ भी आंसर आ रहा है 20:1 आ गया। यहाँ भी जब काटोगे तो यहाँ भी 20:1 आएगा, ठीक है। यहाँ भी अरे भाई जब 1.5 से 30 को काटोगे तो 20:1 ही आएगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ आ गया, कितना गड़बड़ कर दिया, 80/1, माने कि 80 दाम लगेगा जब एक यूनिट वैल्यू से बिकेगा। यहाँ देखो तो 1 का 20, 1 का 20, 1 का 20, यहाँ पे बच्चा आ गया तो 1 का 80 कर दिया था, है ना गड़बड़। तो ये इस तरह से अगर सामान बेचा जाएगा जहाँ पे पी को क्या किया जा रहा है, रेशियो निकाला जा रहा है ना, पी का रेशियो दाम का क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है वजन के साथ, जहाँ पे हर जगह सही था लेकिन बच्चा जुड़ गया, तो हम कहेंगे ये रिलेशन प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर यहाँ पे 5 किलो का कितना लेता तो अच्छा था, 100 रुपया ना, 5 किलो का 100 लेता तो हम लास्ट में कह देते पी प्रोपोर्शन वेट है, तो हर जगह मैचिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये सही होगा। तो यहाँ पे फिर अब 20:1 हो गया, तो काटने के बाद ऊपर नीचे हर जगह सेम सेम आ रहे हैं 20:1, 20:1, 20:1, तो यहाँ पे ये दोनों प्रोपोर्शन में है, इसी का मतलब प्रोपोर्शन होता है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करते हैं हम बोर्ड में समझा देते हैं, ठीक है। अनुपात यानी प्रोपोर्शन पे आधारित जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होती है, एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, जैसे कीमत वजन के आधार पे बढ़ेगा, जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे कीमत बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे हाइट किसी वस्तु की बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वजन भी बढ़ सकती है, उसी प्रकार से जब एक वस्तु में बढ़ना दूसरे वस्तु में भी बढ़ने का कारण बनता है, तो वैसे प्रकार की अगर नियमित इंक्रीमेंट हो तो उसे हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे आधारित एक क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे को 1 टेबल 2 टेबल 3 4 टेबल दिए गए हैं। यहाँ पे चारों टेबल को देखने में ये बताना है कि किस टेबल पे x और y के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पहला एग्जांपल को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, पहले टेबल के अनुसार पहले बॉक्स में यहाँ जो पहला कॉलम है यानी x और y को रेशियो यहाँ पे देखा गया 2:10 है, बी कॉलम पे 10:50 है, सी कॉलम पे 100:500 है, डी कॉलम पे 11:55 है। तो 2 से 10 को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे मिला 1/5। उसी प्रकार से बी कॉलम पे बी वाले जो खंबा है यहाँ पे सेक्शन 10:50 इसको भी कंपेयर करते हैं तो 1/5 आ रहा है। फिर सी कॉलम पे 100 से 500 को कंपेयर करते हैं तो ये भी 1/5 आ रहा है, और उसी प्रकार से 11:55 को भी कंपेयर कर रहे हैं रेशियो कर रहे हैं तो 1:55 आ रहा है। इसी प्रकार से 4A का मतलब होता है ए कॉलम के लिए x:y, 1:5, 4P
x is to y 1 by 5 4 c x is to y 1 by 5 4 d x is to y 1 by 5 और लास्ट में हमें इसी तरह पता चला कि हर जगह 1 बटा 5 की x और y की डिवाइड निकल रही है। तो जब हर जगह बराबर बराबर निकल के बाहर आ रही है उसकी रेशियो, तो अब हम कहेंगे x और y हर जगह बराबर होने के कारण वो डायरेक्ट समानुपात में है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जिसे शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होती है। बाकी के अन्य क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को घर से सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है।